नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आज फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक औषधि के विषय में बताने के लिए। उसकी सच्चाई क्या है, उसके गुण क्या हैं, उसके अवगुण क्या हैं। यह औषधि सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए, प्री मैच्योर एजुकुलेशन रोकने के लिए तथा सो कॉल्ड इम्पोटेंसी खत्म करने के लिए युवाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय है तथा यूएसए और दूसरे विदेशी नागरिकों के बीच में भी इसकी लोकप्रियता अत्यधिक है और भारत में भी इसकी लोकप्रियता अत्यधिक है। क्योंकि भारत में मूल्य इसका अत्यधिक है, इसलिए कई लोग इसकी जगह विगोरा विगोरा का यूज़ करते हैं, विगोरा 100 या विगोरा 50 का यूज़ करते हैं। दोनों का जो फार्मूला है, जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, वह एक ही है, इसलिए ज़्यादा इस चीज़ में अंतर नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब इस औषधि के क्या गुण हैं, क्या वाकई यह औषधि सेक्स समस्याओं में बहुत अच्छे तरीके से कार्य करती है या इसके बहुत सारे नुकसान हैं, यह मैं आज आपको पूरी की पूरी सच्चाई आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप सभी इस विषय को अच्छी तरह सुने ताकि आपके जीवन को किसी प्रकार की हानि ना पहुंच सके और आप इस पिल का, इस गोली का, इस टैबलेट का हानिकारक प्रभाव तथा फायदा और इसका डोज क्या होना चाहिए और इसके क्या-क्या साइड इफेक्ट्स हैं और किन चीज़ों के साथ इसको मिलाकर खा सकते हैं या कौन सी चीज़ें संयोग विरुद्ध हैं इसके साथ खाने में, यह सब मैं आपको डिटेल्ड बताऊंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुने क्योंकि कई बार इन औषधियों का प्रयोग करने पर बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हानिकारक औषधि है, परंतु इसका उपयोग किस प्रकार किया जाए जिससे कि यह हमें हानि ना पहुँचाए, इस दिशा में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो चलिए आरंभ करते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरी इस चैनल पर, जहाँ पर आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण योग बहुत ही गंभीर बीमारियों के लिए बताए जाते हैं। परंतु आज मैं आप लोगों की जागरूकता के लिए एक एलोपैथिक मॉडर्न साइंस बेस्ड एक टैबलेट के विषय में बताने जा रहा हूँ कि इसकी क्या हानियाँ हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्योंकि यह आपके लिए अत्यधिक आवश्यक है। अतः ध्यानपूर्वक सुने और इस पर गौर अवश्य करें। तो इस औषधि का नाम है बियाग्रा। बियाग्रा नाम से नपुंसकता के इलाज के लिए आई ऐसी पहली गोली है जिसने बाजार में आते ही न केवल अमेरिका में वरन समस्त विश्व में तहलका मचा दिया है। लोग ब्लैक में भी भारी दाम चुकाकर इसे खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं। बियाग्रा एक विशेष नाइट्रेट रसायन है जिसका रासायनिक नाम है सिलडेनाफिल साइट्रेट। इसमें यह केमिकल मिला होता है। बियाग्रा जो है वो ब्रांड का नाम है। जैसा कि बताया गया है कि सिलडेनाफिल साइट्रेट मुंह से सेवन किए जाने पर शीघ्र ही रक्त संचार के साथ संपूर्ण शरीर में फैल जाती है। लिंग की स्पंज जैसी मांसल कार्पोरा कैवर्नोसा और कार्पोसा सेंजियोसम नामक रचनाओं तक पहुंच जाती है, जहां यह फास्फोडाइस्ट्रेज 5 PDE5 इसे कहते हैं को निष्क्रिय कर डालता है। फास्फोडाइस्ट्रेज के निष्क्रिय हो जाने से नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रभाव बढ़ जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड कार्पोरा कैवर्नोसा की स्मूथ मसल्स को फैलाने वाले एक विशेष एंजाइम को उत्तेजित करता है, जिससे लिंग में रक्त संचार यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़ जाता है और लिंग तुरंत खड़ा हो जाता है, उसमें तुरंत उत्थान आ जाता है और जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है वह खत्म तुरंत हो जाता है, उसमें कड़ापन आ जाता है। वियाग्रा के निर्माण में फ्रांसीसी अमेरिकी यौन वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्ड विराग ने काफी परिश्रम किया था, इसीलिए इस औषधि का नाम उनके नाम से मिलता जुलता रखा गया। इस औषधि का निर्माण फाइजर लेबोरेटरीज अमेरिका ने किया है। वियाग्रा सेवन के लिए 25, 50 और 100 mg की मात्राएं निर्धारित की गई हैं कि इसकी टैबलेट जो हैं 25 mg, 50 mg और 100 mg की क्वांटिटी में आती हैं, उसकी मात्रा में आती हैं। बियाग्रा की सामान्यतः 50 mg की एक गोली का सेवन
संभोग संबंध बनाने से लगभग यानी इंटरकोर्स के लगभग 1 घंटे पहले सेवन करने की सलाह दी जाती है, जबकि इसकी अधिकतम मात्रा डेली 100 mg है, जिससे अगले 4-5 घंटे तक इस औषधि का प्रभाव शरीर पर बना रहता है। हालांकि अभी यह दवा जनसाधारण की पहुंच से बाहर है, क्योंकि 750 से 10,000 रुपए तक गोली पर खर्च करने वाले लोग इस देश में काफी कम हैं। तो हमारे यहाँ बिगौरा का यूज होता है, जो कि 20-25 रुपए की एक गोली मिल जाती है। उसमें भी यही केमिकल कंपोजिशन है उसका, सिलडेनाफिल साइट्रेट, यह उसका उसका भी यही फार्मूला है। तो हालांकि यह प्राथमिक उत्तेजक या सेक्स टॉनिक के रूप में काम नहीं करती, यह सिर्फ उत्तेजना की उपस्थिति में ही कार्य करती है, मतलब कि यह सेक्सुअल पावर नहीं बढ़ाती और व्यक्ति को प्राइमरी एक्साइटमेंट नहीं देती, अपितु यह सिर्फ उत्तेजना की उपस्थिति में ही कार्य करती है। जबकि आपका फीमेल पार्टनर जो है आपकी साथ में है और आप उत्तेजित हो चुके हैं, तब यह कार्य करना प्रारंभ करती है, खुद से यह कार्य करना प्रारंभ नहीं करती। इसके प्रभाव के लिए पुरुष को स्वयं या स्त्री द्वारा उत्तेजित करवाना आवश्यक होता है, अर्थात इसमें अपने आप तनाव नहीं आता, वरन यह तनाव लाने व बढ़ाने में मददगार है, ना कि यह कोई सेक्स टॉनिक है या कोई सेक्सुअल पावर बढ़ाने वाली अत्यधिक उपयोगी दवा है। व्याग्रा किसके लिए उपयोगी है, यह मैं आपको बता रहा हूँ। जिन केसों में यह प्रभावी है, वे हैं ऐसे पुरुष जिनकी लिंग में तनाव नहीं आया या आए तो ठहर नहीं पाए, यानी कि तनाव आया, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनमें, या फिर जिनमें तनाव आ जाता है लिंग में, लिंग कड़ा हो जाता है परंतु बहुत देर तक तनाव नहीं रह पाता, उन केसों में यह दवा काफ़ी प्रभावी सिद्ध हुई है। लगभग 70 से 80% केसों में यह सफल हुई है। अब मधुमेह, प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद, स्पाइनल कॉर्ड की कुछ बीमारियों के बाद की नपुंसकता, यानी कि डायबिटीज या प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद स्पाइनल कॉर्ड की कुछ बीमारियां यदि हो गई हैं, तो उनके उपद्रव में, उनके कॉम्प्लिकेशन में यदि इम्पोटेंसी पैदा हुई है, तो उस इम्पोटेंसी में भी यह प्रभावी सिद्ध हुई है। मानसिक केसों में, जो लोग मानसिक रूप से नपुंसक होते हैं, अपने आप को सोच लेते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं सेक्सुअल परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊंगा, उन केसों में यह प्लेसिबो, यानी जैसे कि किसी भी व्यक्ति को एक खाली गोली दे दी जाती है जिसमें कुछ भी नहीं रहता, परंतु उसे बता दिया जाता है कि अत्यधिक महंगी है और बहुत प्रभावी है, तो उसको खा के भी व्यक्ति को आराम मिल जाता है, उसे प्लेसिबो कहा जाता है। तो चाहे व्याग्रा के स्थान पर और कोई विटामिन की गोली ही दे दे, लेकिन रोगी को यह लगे कि वह इतनी महंगी व नई गोली खा रहा है, तो वह मानसिक रूप से अपने आप को संयत कर लेता है कि अब दवा अपना प्रभाव डालेगी। दवा के प्रभाव की कल्पना करके वह तनाव व चिंता रहित वह हो जाता है। इस कारण लिंग में, पेनिस में तनाव आने लगता है, और कहा भी गया है कि यदि दिमाग का तनाव कम हो जाए तो जननांगों में तनाव स्वतः ही बढ़ जाता है, यानी कि यदि ब्रेन पर ब्लड प्रेशर कम हो जाए, ब्लड की रस कम हो जाए, तो जननांगों में ब्लड का जो तनाव है, टेंशन है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है, इससे वह अच्छे से कार्य करने लगते हैं। तो मधुमेह के, फिर अगला जो है वो मधुमेह के रोगियों में, चूंकि रक्त वाहिका तंत्र यानी कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वह तंत्रिका तंत्र दोनों ही प्रभावी होते हैं, उसमें व्याग्रा बहुत प्रभावी सिद्ध हुई है। चाहे इसका प्रभाव अस्थाई हो, लेकिन शारीरिक कारणों, खासकर तंत्रिका तंत्र के कारणों से होने वाली जो नपुंसकता है, सेक्स करने की क्षमता का अभाव है, मैं तो यह वरदान सिद्ध हुई है। अब व्याग्रा किसके लिए उपयोगी नहीं है, यानी कि किन्हें इसे यूज नहीं करना चाहिए, तो जो हृदय रोग व उच्च रक्तचाप के रोगी हैं, यानी जिन्हें हार्ट डिसीज है, और हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के रोगी जो पहले से ही नाइट्रेट आदि समूह की दवाएं ले रहे हैं, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह, यदि इन दवाओं के साथ व्याग्रा का सेवन किया जाए तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नीचे गिरने का खतरा होता है, जिससे
बेहोशी या मृत्यु तक हो सकती है। तो ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए यह गोली। इसी प्रकार ब्यूटाइल नाइट्रेट्स व अन्य उच्च रक्तचाप को सामान्य करने वाली दवाओं के साथ भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने वाली दवाइयाँ हैं, नाइट्रोग्लिसरीन या फिर ब्यूटाइल नाइट्रेट समूह वाली, उनके साथ इसका सेवन कभी ना करें, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर बहुत अधिक हो जाएगा। इससे व्यक्ति बेहोश हो सकता है, कोमा में जा सकता है या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। फिर अगला, सामान्य पुरुषों के लिए यह गोली उपयोगी साबित नहीं हुई है। ऐसे पुरुष जिनमें तनाव सामान्यता आता हो व तनाव बना भी रहता हो, यदि वे अपनी सेक्स पावर बढ़ाने के लिए दवा लेना चाहें तो वे निराश ही होंगे, क्योंकि यह सेक्स रहने की आवृत्ति व पावर, फ्रिक्वेंसी व पावर दोनों को ही नहीं बढ़ाती। यह सेक्स टॉनिक भी नहीं, इससे स्वाभाविक तनाव भी नहीं आता। ये सिर्फ उन्हीं केस में प्रभावित है जिसमें तनाव ना आता है या तनाव ना बना रहता हो। तो उन व्यक्तियों को इसका यूज करना चाहिए जो व्यक्तियों में सामान्य रूप से लिंग का कड़ापन आ जाता हो, वह कड़ापन बना रहता हो, उनको टाइम बढ़ाने के लिए इसका यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह केवल अपना पैसा वेस्ट करेंगे, इससे कुछ भी नहीं होगा। जिनको तनाव नहीं आता या जो बिल्कुल भी मतलब जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, उनके लिए यह वरदान है, परंतु सामान्य केसेस में यह कोई कार्य नहीं करती। अब बच्चों को यह दवा नहीं लेनी चाहिए, इसी प्रकार स्त्रियों को भी यह दवा नहीं लेनी चाहिए। हालांकि इसको बनाने वाली कंपनी फाइजर ने दावा किया है कि इस दवा के सेवन से स्त्रियों में उत्तेजना व गीलापन बढ़ा है, लेकिन पक्की रिसर्च के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए जब तक इस पर पूर्ण शोध नहीं हो जाता तब तक स्त्रियों को इसका सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। अब कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए कि व्याग्रा जो है वह सेक्स टॉनिक नहीं है, यानी कि वह सेक्स पावर नहीं बढ़ाता, वह इससे तनाव अपने आप भी नहीं आता, यानी कि लिंग का कड़ापन अपने आप इससे नहीं आता। यह सिर्फ तनाव को बनाए रखने व फैसिलिटेट करने में मददगार हो सकती है। यह बीमारी की जड़ का इलाज नहीं करती, जैसा कि आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जड़ का इलाज कर दो रोग अपने ही आप नष्ट हो जाता है पूरी तरह, परंतु मॉडर्न साइंस को सप्रेशन और एक्यूट रिलीफ में महारत हासिल है, वे जड़ से इलाज नहीं कर पाते, और यही सिद्धांत इस गोली में भी उन्होंने अपनाया है। तो यह बीमारी की जड़ का इलाज नहीं करती, अर्थात स्थायी इलाज नहीं मिलता, सिर्फ अस्थायी लाभ पहुँचाती है। जब तक शरीर में इसकी मात्रा रहेगी तब तक यह प्रभाव रखेगी, अर्थात मैक्सिमम 6 घंटे, उसके बाद नहीं। इसलिए हर बार संभोग से पहले इसका सेवन जरूरी होता है, इंटरकोर्स के पहले इसका सेवन जरूरी होता है, तभी यह प्रभाव पैदा करती है। अब मात्रा बढ़ाने पर इसका प्रभाव नहीं बढ़ता। यदि कोई पुरुष यह सोचे कि मैं 1-2 गोली के स्थान पर 4 गोलियां एक साथ ले लूं तो ज़्यादा फायदा होगा, तो याद रखिए ये लिंग के तनाव में कोई वृद्धि नहीं करेगी, यानी कि कड़ापन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन दूसरे साइड इफेक्ट्स जरूर बढ़ जाएंगे, जिससे हार्ट फेल, ब्लाइंडनेस यानी अंधता मतलब रोशनी चले जाना आँखों की, वह मृत्यु डेथ तक हो सकती है। सामान्य पुरुष के लिए यह अप्रभावी है। यदि कोई पुरुष सामान्यता सेक्स पावर रखता है, कम नहीं है उसकी सेक्स पावर, तो इसमें यह कोई अतिरिक्त प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाती। यह सिर्फ असामान्य केसों में ही, खासकर तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम के कारण जिन व्यक्तियों में सेक्स करने की रुचि नहीं होती या पावर नहीं होता, उनके लिए प्रभावी है। मानसिक कारणों से होने वाली नपुंसकता यानी मानसिक रूप से जो व्यक्ति अपने आप को नपुंसक समझ लेते हैं कि मैं सेक्स नहीं कर पाऊंगा, पूरी तरह परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, उनके लिए यह औषधि प्रभावी है। इसके द्वारा सेक्स पावर अर्थात सेक्स करने की आवृत्ति यानी कि बार बार उसकी फ्रीक्वेंसी, कई बार सेक्स करने की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती। अब व्याग्रा के आने से हर प्रकार का नपुंसकता का रोगी यानी जो इम्पोटेंसी का रोगी है एवं सामान्य व्यक्ति भी यह सोचने लगा है कि व्याग्रा दवा को खाते ही उनका लिंग घंटों तक इरेक्ट रहेगा, खड़ा रहेगा, उत्थित रहेगा, और वह लगातार 4-6 घंटे तक स्त्री प्रसंग कर सकेगा यानी इंटरकोर्स कर सकेगा। ये इसके बारे में जो
अंध प्रचार किया गया है उससे सभी प्रभावित हैं। बॉम्बे जैसे शहरों में तो इस गोली को लेने की ऐसी होड़ लगी है कि वे इसको बहुत महंगे दाम देकर, एक गोली 1,000 रुपए तक देकर खरीद रहे हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर इस औषधि के बारे में आपको पूरी डिटेल्स बता रहा हूँ। वियाग्रा कोई सेक्स टॉनिक नहीं है कि खाते ही असर करे, यह सिर्फ तनाव यानी लिंग का जो टेंशन है, जो लिंग का इरेक्टाइल है, लिंग को इरेक्टाइल करने के काम आती है, वो भी नपुंसकता के केशों में। सामान्य पुरुष जो कि सामान्य सेक्स क्षमता रखते हैं उनमें कोई फर्क नहीं आता। ये ना तो उसको बढ़ा सकती है ना ही सेक्स संबंधों की फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकती है, यानी कि आप बार बार इसको खाने से, अकेले एक गोली खाने से सेक्स संबंध बार बार नहीं बना सकते हैं। शीघ्र पतन, प्रीमेच्योर इजेकुलेशन के इलाज में ना तो इसका कोई रोल है। दूसरी बात, इसके प्रभाव को देखने के लिए पत्नी का संभोग में सक्रिय योगदान सबसे ज़्यादा जरूरी है, यानी कि जब तक पत्नी एक्साइटमेंट नहीं दिलाएगी इसका कोई प्रभाव नहीं होता। महंगी व इम्पोर्टेड चीज़ अच्छी हो यह जरूरी नहीं होता। कई बार सुई काम में आती है, तलवार की उन जगहों पर आवश्यकता नहीं होती। वही इस गोली के संबंध में मैं कहना चाहूँगा। आयुर्वेद में इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं जो आपके इस रोग को जड़ से खत्म कर सकती हैं। उनमें टाइम लगता है, महीने, 2 महीने, 3 महीने, निरंतर उन्हें खाना पड़ता है, कुछ चीज़ों का परहेज करना पड़ता है, परंतु जड़ से यह रोग खत्म हो जाता है। उसके साथ दिनचर्या भी अच्छी रखनी पड़ती है, तो आप इस चीज़ से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। परंतु यदि आप सोचें कि इस प्रकार की गोली खा के आप जब चाहे सेक्स पावर बढ़ा सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। उसी टाइम के लिए आपका पावर बढ़ सकता है, वो भी तब जब आप पूरी तरह इम्पोटेंट हो, यानी कि पूरी तरह नपुंसक हो, तभी पावर बढ़ता है। वरन सामान्य व्यक्ति कि सेक्स पावर में इससे कोई इजाफा नहीं होता। इसलिए मैं कहूँगा कि आयुर्वेद का ही अधिकांशतः यूज करें और अपनी बीमारी को जड़ से खत्म करें। अब इसका कंक्लूजन क्या है, तो हम यह कह सकते हैं कि व्याग्रा के रूप में मुंह से खाई जाने वाली जो एक औषधि आई है, वो तंत्रिका तंत्र से होने वाली नपुंसकता, यानी कि जो नर्वस सिस्टम है उससे होने वाली नपुंसकता में उपयोगी सिद्ध हुई है, वह मधुमेह के केसों में भी उपयोगी सिद्ध हो सकती है, यानी डायबिटीज़ को जो कॉम्प्लिकेशन के कारण इम्पोटेंसी होती है उसमें उपयोगी है। बाकी यह सोचना कि यह सभी प्रकार की सेक्स समस्याओं की रामबाण दवा है, तो यह बिल्कुल गलत है। तो आप हो सके तो इसका बिल्कुल भी यूज ना करें यदि आप सामान्य सेक्स पावर रखते हैं। व्याग्रा केवल उन लोगों के लिए ही उपयोगी है जिनमें किन्हीं कारणों से लिंग में पर्याप्त तनाव नहीं आता, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। इस प्रकार के अधिकतर लोग 45 वर्ष से अधिक उम्र के ही होते हैं जिनमें किन्हीं कारणों से, जैसे मधुमेह आदि के कारण ब्लड कैपिलरीज में रक्त का संचार घट जाता है। जहाँ तक पौरुष सामर्थ्य यानी कि मैन पावर या सेक्सुअल पावर में वृद्धि की बात है, तो व्याग्रा इस मामले में पूरी तरह नाकाम है, यानी कि इसका कोई फायदा नहीं। अतः उन युवकों या पुरुषों में जिनमें लिंग का तनाव सामान्य रूप से आता है किंतु उनका स्खलन यानी कि वीर्य जल्दी ही निकल जाता है और तथा तनाव वीर्य उनका जल्दी ही निकल जाता है और तनाव पर्याप्त समय तक इसी कारण से नहीं रह पाता, उनमें व्याग्रा कुछ नहीं कर सकती। इसलिए सेक्स संबंधों में असंतुष्ट अधिकांश युवकों के लिए व्याग्रा का कोई महत्व नहीं है और युवकों में शीघ्र पतन का रोग ही अधिक पाया जाता है। ऐसे युवकों में लिंग का तनाव बिना किसी कष्ट के सामान्य रूप में तो आता है, लेकिन शीघ्र स्खलन के कारण पर्याप्त समय तक यानी उनका जो सेक्स टाइम है वो ज़्यादा नहीं होता। व्याग्रा का सेवन करने वाले 80% से अधिक व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 से 70 साल के मध्य होती है और जिनके शिश्न में पर्याप्त तनाव उत्पन्न नहीं होता। इस बात से यह तो स्पष्ट हो ही गया है कि 40 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति की रक्त नलिकाओं में शिथिलता आ जाती है, यानी कि वह ढीली हो जाती हैं। इससे लिंग में मनचाही उत्तेजना नहीं आती, मतलब पूरा कड़ा नहीं हो पाता लिंग। साथ ही उनकी यह शिथिलता उम्र बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है। सेक्स शिक्षा के अधूरे और अतृप्त रहने से उनमें मानसिक परिवर्तन आने लगते हैं, उन्हें जीवन की उदासीनता बढ़ने लगती है, निराशा बढ़ने लगती है तथा उनका एकाकीपन, अकेलापन बढ़ने लगता है। अत्यधिक शिथिलता यानी कि ढीलेपन के कारण और हताशा बढ़ जाने के परिणाम स्वरूप उनका मन किसी काम में नहीं लगता है। अत्यधिक
शिथिलता और हताशा बढ़ जाने के कारण उन्हें थकान का एहसास भी शीघ्र होने लगता है। रक्त नलिकाओं में यानी ब्लड कैपिलरीज और वेन्स में रक्तचाप बढ़ने लगता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ने लगता है। इस प्रकार के उत्साहहीन व्यक्ति जब व्याग्रा का सेवन करते हैं तो उनकी रक्त नलिकाओं का संचार बढ़ने लगता है, शिथिल जो ढीली नशें हैं उनमें उत्तेजना आने लगती है और उनके लिंग में भी एक बार पुनः उत्तेजना आने लग जाती है, जिससे व्यक्ति अपनी संभोग इच्छा पूरी कर लेता है तथा उसकी मानसिक उदासीनता भी धीरे धीरे घटने लगती है। तो इसलिए 40 से 70 वर्ष के बीच वाले पुरुषों के लिए वरदान है, परंतु उससे पहले वाले व्यक्तियों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए यदि आप पूर्णतः नपुंसक नहीं हैं और आपका सामान्य सेक्स टाइम है। ज़्यादा सेक्स टाइम नहीं है तब भी इसका सेवन ना करें, क्योंकि यह सेक्स टाइम नहीं बढ़ाती, केवल लिंग का कड़ापन बढ़ाती है, वह भी जब आप पूर्णतः नपुंसक हों। अब व्याग्रा की साइड इफेक्ट क्या हैं, दुष्प्रभाव क्या हैं? तो इसके सेवन से लिंग में तनाव तो आता ही है, कड़ापन तो आता ही है, इसके साथ ही शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों में भी रक्त संचार बढ़ जाता है, जिससे इसका मतलब खून का संचार अन्य अंगों में बढ़ जाता है। इससे इसका सेवन करने वाले व्यक्तियों में भयानक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और उनसे व्यक्ति की डेथ, मृत्यु तक हो सकती है। जैसा कि जब आंखों को रक्त ले जाने वाली जो ब्लड कैपिलरीज में रक्त का संचार अत्यधिक बढ़ जाता है तो आंखों में धुंधलापन आ जाता है, यानी ब्लर दिखता है और आंखों की रोशनी तक इससे समाप्त हो सकती है। जब मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति करने वाली जो रक्त की धमनियां हैं उनमें यदि रक्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ब्लड बहुत ज़्यादा उसका प्रेशर बढ़ जाएगा तो तीव्र प्रकार का सिर दर्द होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा हेडेक होगा और व्यक्ति को वह कभी भी शुरू हो सकता है। कभी कभी मस्तिष्क की कोशिकाओं में रक्त का संचार इतना तीव्र हो सकता है कि जिसके दबाव के कारण मस्तिष्क की जो ब्लड कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, वह फट तक सकती हैं, यानी हेमरेज हो सकता है और इससे उत्पन्न हुए हेमरेज के कारण व्यक्ति को पैरालिसिस यानी पक्षाघात हो सकता है या उसकी मौत तक हो सकती है। इसलिए आप कभी भी सामान्य केसों में इसका यूज़ ना करें। 40 से 70 वर्ष के बीच यदि पूर्णतः नपुंसकता का अनुभव कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उदासीनता है तभी इसका कम मात्रा में उपयोग करें, अधिक मात्रा में भी उपयोग ना करें। और मैं यही सलाह दूंगा कि आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग करें। जो लंबे समय तक आप उपयोग करेंगे रसायन वल्य और वाजीकरण के रूप में तो इस सेक्स समस्या का बिल्कुल जड़ से इलाज हो जाएगा, जड़ से यह नष्ट हो जाएगी और आप बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं, मनोवांछित सेक्स सेक्सुअल लाइफ आप जी सकते हैं, बशर्ते आप अपनी दिनचर्या और परहेज रखें। तो आयुर्वेद अमृत है, इसका सेवन करें। अब मैं बताऊंगा कि जो सामान्य एक समरी बताता हूँ कि इसके कुप्रभाव क्या हैं व्याग्रा के। तो अस्थाई सिरदर्द होता है, पाचन शक्ति की समस्याएं आती हैं, अतिसार यानी कि डायरिया और नौजिया, मितली आदि हो सकती है, भूख की कमी, नाक में खुश्की, आंखों में धुंधलापन, चेहरे का लाल हो जाना, त्वचा पर दाग का उत्पन्न होना, ये सभी चीज़ें होती हैं और अंततः डेथ भी हो सकती है। इसलिए आप इसका उपयोग ना करें तो ही अच्छा है, और यदि आप पूर्णतः नपुंसक हो गए हैं तो आप इसका उपयोग करें भी तो कम मात्रा में और ऐसी दवाइयों के साथ इसका उपयोग ना करें जो इसी के वर्ग की हैं या हार्ट डिसीज से संबंधित दवाइयां हैं उनके साथ इसका उपयोग ना करें। और हार्ट डिसीज से और रीनल फेल्योर से पीड़ित व्यक्ति भी इसका प्रयोग ना करें। और मैं यही कहना चाहूँगा कि दिनचर्या अच्छी रखें, अच्छा साहित्य पढ़ें और अच्छा खान पियन रखें, पचने वाला खान पियन रखें और फल फूल ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करें तो आप सेक्स समस्या चाहे वह किसी भी प्रकार की हो उससे मुक्त हो जाएंगे, जड़ से खत्म हो जाएगी वह और आप आनंददायक आनंदमय जीवन जी सकते हैं। ऐसी गोलियों का उपयोग करने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरी बताई गई जानकारी का उपयोग करेंगे और ऐसी हानिकारक चीज़ों का उपयोग नहीं करेंगे। और ये जो पूरी डिटेल है व्याग्रा और विगोरा के विषय में, विगोरा भारत में चलती है उसका उपयोग भी आप ज़्यादा ना करें, विगोरा 50 विगोरा 100 भारत में चलती है जो व्याग्रा के फार्मूला के सिमिलर ही उसका फार्मूला है, उसका भी फार्मूला जो है सिल्डेनाफिल साइट्रेट है, इसलिए विगोरा का भी यूज़ ज़्यादा ना करें और किसी भी सेक्सुअल पिल का ज़्यादा यूज़ ना करें जो कि तुरंत उत्तेजना बढ़ाती है।
तो अपने जीवन को सुरक्षित रखें तथा सुरक्षित औषधियों का ही सेवन करें। मैं समझता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा तथा आपके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। यदि ऐसा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों को भी शेयर करें ताकि वह भी इसके खतरे से बच सकें। कमेंट करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी मैं महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण हेल्थ बेनिफिशियल या हेल्थ से संबंधित वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच।